छत्तीसगढ़ के 90 विधानसभा सीटों पर मतदान संपन्न हो चुका है। दो चरणों में मतदान के बाद अब ईवीएम मशीनें कड़ी सुरक्षा के बीच जिला मुख्यालयों में बनाए गए स्ट्रांग रूम में सील कर दिए गए हैं। रायपुर जिले में सेजबहार इंजीनियरिंग कॉलेज को स्ट्रांग रूम बनाया गया है, जहां जिले के सभी सातों विधानसभा क्षेत्र के ईवीएम कड़ी सुरक्षा में रखे गए हैं। देखिए रायपुर के स्ट्रांग रूम से हमारे संवाददाता अंकित मिश्रा की ये रिपोर्ट। 17 नवंबर को दूसरे चरण के मतदान के बाद प्रत्याशियों की किस्मत का पिटारा अब स्ट्रांग रूम पहुंच चुका है। आप देख सकते हैं ये रायपुर जिले का स्ट्रांग रूम है, जो रायपुर के सेजबहार इलाके में शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज में बनाया गया है। पिछले बार भी यहीं पर इसी तरह की व्यवस्था थी। आप देख सकते हैं किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर रखी गई है। तमाम सुरक्षाओं के घेरे के बीच जो है ईवीएम अब इस जो बिल्डिंग है उसमें कैद हो गई है। अलग अलग जो कमरे हैं वहाँ पर अलग अलग विधानसभा क्षेत्र के ईवीएम को रखा गया है। ये जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं इसके अंदर अलग अलग तरह की सिक्योरिटी रखी गई है। अलग अलग सुरक्षा घेरों के बीच जो तमाम बैलेट बॉक्स हैं, तमाम ईवीएम हैं, वो यहाँ अंदर ले जाए गए हैं और तभी से यहाँ पर जो सुरक्षा का कड़ा पहरा है वो यहाँ पर रखे गए हैं। आप देख सकते हैं तमाम अलग अलग जगहों पर जवानों की तैनाती रखी गई है। सुरक्षा के अलग अलग घेरे लग बनाए गए हैं। इसके अलावा सीसीटीवी कैमरों से विशेष रूप से निगरानी रखी जा रही है। आप देख सकते हैं ये जो सीसीटीवी कैमरे हैं अलग अलग क्षेत्रों में लगाई गई है, जिसकी सीधे तौर पर मॉनिटरिंग यहाँ पर ये कर्मचारी जो सुरक्षा कर्मी हैं वो करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको तस्वीरों में दिखाना चाहूँगा, ये जो स्क्रीन है जो आपके सामने दिख रही है ये स्क्रीन है जहाँ से सीधे तौर पर मॉनिटरिंग की जा रही है। जो जिन कमरों में ये जो बैलेट बॉक्स ईवीएम मशीनें रखी गई है उन कमरों को सीधे तौर पर ये तस्वीरों में देखा जा सकता है। यहीं से सीधे लाइव मॉनिटरिंग ये सुरक्षाकर्मी करते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं ये उन कमरों का सीधा तस्वीर है जो यहाँ स्क्रीन में दिखाई दे रहा है। अलग अलग कमरों में जहाँ पर ईवीएम रखे गए हैं उन कमरों की सीधे तौर पर निगरानी यहीं से रखी जा रही है, जिनके बाद 3 दिसंबर यानी कि जिस दिन मतगणना होनी है उस दिन ये सभी बैलेट बॉक्स, ये सभी ईवीएम खोले जाएंगे और उसी दिन जो है सभी प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला सामने आएगा कि आखिरकार छत्तीसगढ़ की जनता किसके सिर पर यहाँ की जो ताज है वो रखने वाली है। कैमरा पर्सन काशीनाथ के साथ अंकित मिश्रा, डीडी न्यूज रायपुर। इसी तरह बेमेतरा की तीनों विधानसभा के ईवीएम स्ट्रांग रूम में कड़ी सुरक्षा के बीच रखवाए गए हैं। स्ट्रांग रूम की सुरक्षा को लेकर केंद्रीय फोर्स की एक कंपनी तैनात की गई है, साथ ही 2 लेयर में इसकी सुरक्षा के प्रबंध किए गए हैं। बैरिकेड से आगे किसी भी अनाधिकृत व्यक्ति के प्रवेश पर पाबंदी लगा दी गई है। जिले की पुलिस अधीक्षक भावना गुप्ता ने बताया कि कड़ी सुरक्षा के बीच सभी मशीनों को स्ट्रांग रूम में रखा गया है। किसी भी अनाधिकृत व्यक्ति को यहां प्रवेश की मनाही है। शांतिपूर्ण हुआ, जिसके लिए आपको बता दें कि जिले में सीएपीएफ की फोर्सेस बधाई के पात्र हैं। आज से स्ट्रांग रूम सिक्योरिटी के पुख्ता अरेंजमेंट चुनाव आयोग के जैसे गाइडलाइंस हैं, जिसमें 2 लेयर ऑफ कॉर्डन सिक्योरिटी रहेगा, उसकी तैयारी की जा रही है। राउंड द क्लॉक यहाँ पे विजिल रहेगी, 24 घंटे सीसीटीवी कैमरा में कैद रहेगा और स्ट्रांग रूम के इर्द गिर्द जो है सीएपीएफ फोर्सेस के द्वारा मोर्चाबंदी की जा रही है और जो राजपत्रित अधिकारी हैं वो भी जो है समयानुसार इसमें निरीक्षण करेंगे और सेपरेट जो प्रावधान है जिसमें सभी के विस्तृत एंट्री रखने के प्रावधान है। आपको बता दें कि जिले में इस बार हुए विधानसभा चुनाव में केंद्रीय फोर्स और राज्य के 2,500 जवानों की तैनातगी की गई थी।